इंस्पेक्टर राजन? हाँ हाँ यही है उनका कमरा, मगर वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। अभी अभी उनका टेलीफोन आया था, उनकी माँ सख्त बीमार है। तो क्या वो यहाँ नहीं है? आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, जी नहीं, इंस्पेक्टर राजन अगर हाँ हाँ आप अंदर तशरीफ रखिए, वो अभी वापस आते होंगे। मेहरबानी करके गिलास पानी। हाँ आप अंदर तशरीफ तो रखिए। बचने वाले हैं, इंस्पेक्टर राजन अभी तक नहीं है, मुझे इस वक्त पहुंचना चाहिए था। नंबर 21, तुम हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट होने गए थे, इसकी क्या सजा होती है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। ब्लैक कैप। चीफ ने बुलाया है। चीफ, आपने मुझे याद फरमाया था, मैं हाजिर हो गया हूं। चीफ, मैं पुलिस स्टेशन जरूर गया था, मगर मैंने वहां कुछ कहा नहीं, आपके बारे में कुछ कह भी कह सकता था। आप सोच रहे हैं, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं वहां गई क्यों। आप खामोश क्यों हैं? आपको मेरी बात का यकीन है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। आप खामोखामोश पर शक कर रहे हैं चीफ। अच्छा, मैं जा सकता हूं? तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। ब्लैक कैप के कार्ड, ब्लैक कैप की लूटमार, शराब की बठियां, ब्लैकमेल, रॉबरी, लूट मार, खून कत्ल, सब टेरिबल गैंग। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये ब्लैक कैट है कौन। सर, हमारे महकमे के सबसे होशियार और हिंदुस्तान के मशहूर सीआईडी ऑफिसर मिस्टर राजन को ये केस सौंपा गया है, और आज ही इस केस की उलझन को वो हल करने वाले थे, लेकिन 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 अचानक उनके घर से टेलीफोन आ जाने की वजह से उन्हें घर जाना पड़ा, और वो टेलीफोन मैजिक धोखा था। व्हाट? यस सर, कई महीनों की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने ब्लैक कैट गैंग के एक आदमी को मुखबिरी के लिए तैयार किया था। आज वो शख्स 11:15 बजे मुझे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन गलत इत्तला देकर मुझे यहां से हटा लिया गया। हाँ मिस्टर राजन, एक शख्स घबराया हुआ आपसे मिलने के लिए आया था, मगर ना जाने कब चला गया, और जहां तक मेरा ख्याल है अब तक उसे मौत के घाट उतार दिया गया होगा। यस, व्हाट इज इट नाउ? सर, जो बीच से हमारी पुलिस पेट्रोल का अभी भी टेलीफोन आया है, वहां एक खून हो गया है। व्हाट?
अंडरग्राउंड मर्डर? जी हाँ, लेकिन वो ब्लैक कैट के गैंग का ही कोई आदमी था। तुम ठीक कहते थे राजन, वो आदमी मारा गया। मैं जानता था सर, वो जिंदा बच ही नहीं सकता था। देखो राजन, तुम एक काबिल ऑफिसर हो और मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम इस गैंग को खत्म करने में जरूर कामयाब होगे। थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पैरा डिटेक्टिव क्यों भे? अबे तू बैठा है? जी दा। जी साहब के बच्चे, जब भी हम अपने दफ्तर में तशरीफ लाए तो तुम फौरन खड़े होकर फलूक मारो, समझा? जी दा। जी साहब के बच्चे, कोई भी खाओ तरा रखो। ब्यूटीफुल रिसेप्शन चिको। जी साहब। फिर जी साहब, अगर यस कर बोला कर। तुम हमसे जो भी मिलने आए ना, पहले उसको इस कमरे में बिठाओ, उसके बाद बोलो के साहब बहुत बिजी है, और फिर हमको खबर मारो, समझा? जी साहब। फिर जी साहब। लवली बुलबुल डार्लिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, ये लव स्पॉट नहीं, पैरा डिटेक्टिव एजेंसी का दफ्तर है। यहाँ पर हम बॉस और तुम हमारा सेक्रेटरी। जी बॉस। क्या? यस बॉस। हेलो, कनेक्शन मिल रहे? आज मैं टेलीफोन कंपनी गई थी बॉस, आजकल में कनेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। सुनो बुलबुल, बिजनेस और साइकोलॉजी का ये पहला उसूल है कि जब कोई आदमी किसी काम से मिलने आए तो उसके सामने अपने आप को बिजी नहीं करो, जितना ही वो इंतजार करेगा ना उतना ही अपना भाव बढ़ेगा, समझी? दो आदमी आए। ऐसा बोली चालू, बिठा बिठा, क्या करें? आप लोगों को कुछ देर इंतजार करना होगा, आप बहुत ज्यादा बिजी। बहुत अच्छा। हेलो, यस यस, फर्ग स्पीकिंग प्लीज। क्या कहा? चोर हो गई? सेठ और सेठानी के सिवा चोर सब माल उठा ले गए, ताज्जुब की बात है, फिर ये दोनों कैसे छोड़ दिए? खैर कोई बात नहीं, मैं हाजिर होता हूँ। हेलो, यस प्लीज, पैरा डिटेक्टिव एजेंसी। इंस्पेक्टर राजन, आप लोग? लेकिन आप लोगों को थोड़ी देर ठहरना होगा, इसलिए कि मेरी पुलिस स्टेशन से बहुत जरूरी बातें हो रही हैं। हेलो इंस्पेक्टर राजन, प्लीज, जरूरी बातें हो रही हैं। हाँ ये आप लोग पागल तो नहीं हो गए? जी हम पागल नहीं, हम टेलीफोन कंपनी के आदमी, आपके टेलीफोन का कनेक्शन जोड़ने आए हैं। कनेक्शन? अच्छा, हाँ, लेकिन लेकिन हम लोग तो अपने बिजनेस का रिहर्सल कर रहे थे। क्यों बुलबुल? तो आप कनेक्शन कीजिए, हम लोग अपना रिहर्सल अंदर करते हैं। बुलबुल जल्दी से भेस बदल लो, आज अपने डिटेक्टिव वर्क का पहला मोर्चा है। ये कपड़े पहनकर तुम पठान बन जाओ और मैं देखो ये पहनकर क्या बनता हूँ। जी बॉस। मैम साहब, मैम साहब, पॉकेट कहाँ है? आप जरा इंतजार कीजिए साहब, बहुत बिजी है। साहब के बच्चे, मैं तुम्हारे साहब की मां हूँ, समझे? चल यहाँ से। शाबाश बेटा, खूब माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। जरा नवाजी है। माँ से 5000 रुपया इसलिए लिया कि मैं कोई धंधा करूंगा, और जहाँ दाढ़ी मूछ और नौटंकी के कपड़े खरीद नहीं आते तुम्हें? मगर ये नौटंकी के कपड़े नहीं है माँ, ये तो हिंदुस्तान के पहले प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर पोपट, मेरा मतलब है पैरेट का सारा सामान है, तुम्हें तो फख्र करना चाहिए। लहंगा चोली पहने माँ के सामने खड़ा है और कहता है फख्र की बात है? डूम। अब तुम्हें क्या कहूँ माँ, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम तो उस दिन समझोगी जिस दिन मैं उस काले बिल्ले को चूहे के पिंजरे में बंद कर दूंगा। अब मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियाँ पकड़ने पर उतरा है। माता जी, मोहल्ले की कुत्ते बिल्लियाँ नहीं, मशहूर गैंगस्टर ब्लैक कैट, यानी कौन है? ये मेरा सेक्रेटरी है।
ये लड़का है या लड़की? ये बुलबुल है बुलबुल, लड़का भी हो सकता है लड़की भी है। पोपट, मैं ये ना जानती थी तू इस हद तक गिर चुका है। मत सुनो तो सही माँ, तू ना आज से मेरा बेटा ना मैं तेरी माँ। बुलबुल, यस बॉस। काहे खबर आए भैया, आओ ना जल्दी। जस्ट कमिंग। नाश्ते में पिस्तौल की क्या जरूरत है? तुझे क्या जल्दी पड़ी है? तुम्हें नहीं मालूम माँ, अगर चाय ठंडी हो जाएगी तो भैया गर्म हो जाएंगे, और अगर भैया गर्म हो गए तो बहन की मरम्मत हो जाएगी। माँ यहाँ के बैठो। देखो भैया, हमसे ज्यादा गड़बड़ ना करना, नहीं तो हम तुम्हारी वो बात माँ से कह देंगे। कौन सी बात? अभी बताती हूँ। माँ तुमको मालूम है भैया को रोज रोज फोन किसके आते हैं, और कल शाम को भैया किसके साथ घूमने गए थे? किसके साथ गया था? मुझे सब मालूम है। सब मालूम है? MIT ए मीता। इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा, मीता मुझे भी बहुत पसंद है। पसंद है तो फिर जल्दी से जल्दी उसे इस घर में ले आओ माँ। क्यों भैया, ये चौथी कुर्सी खाली अच्छी नहीं लगती? उसके लिए बंदा हाजिर है। लो चंद्रा, आप जरा चौथी चाय का इंतजाम करवाइए। प्रोफेसर अंकल। आइए प्रोफेसर साहब। चंद्रा, प्रोफेसर साहब के लिए नाश्ता लेके आ। आज आप कैसा रास्ता भूल गए? बस यूं ही अपने एक दोस्त के साथ जरा काम से निकला था, रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट गई। वो दोस्त जरा बहमी तबीयत के वाकई हुए थे, जना वो लौट गए और माँ बदलत यहाँ धमके। मैं जरा शक्कर वाला पीता हूँ। कौन रास्ता काट गई अंकल? काली बिल्ली, ब्लैक कैट। किस मनहूस का नाम ले लिया है आपने सवेरे सवेरे? सॉरी माता जी, वेरी सॉरी। डर के मारे कहीं दिल का दौरा तो नहीं शुरू हो गया अंकल? नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन राजन एक बात है, आखिर ये ब्लैक कैट काबू में क्यों नहीं आता? तुम जैसे होशियार आदमी के हाथ में मामला है, और फिर तुम्हारे साथ इतनी बड़ी पुलिस फोर्स। प्रोफेसर साहब, ब्लैक कैट कोई कम होशियार नहीं है, टेरेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी फोर्स और अपने जासूस हैं, यहाँ तक के बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी उसके गैंग में शामिल हैं। समझा? लड़कियां भी शामिल हैं? हाँ प्रोफेसर, एक ऐसी लड़की के बारे में मुझे मालूम हुआ है जो किसी भी बहाने घरों में घुस जाती है, कभी बात से बात निकालने की कोशिश करती है, और कभी छुप छुप कर बातें। क्या बात है राजन? राजन बेटा, दिमाग तो ठीक है, तुम घर से भागी क्यों? चीकू खाओगे? चीकू? आधे नाश्ते से उठ के आया हूँ ना, इसलिए पूछती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ तुम घर से भागी क्यों?
तुमसे मिलने गई थी लेकिन वहाँ भैया बैठे हुए थे इसलिए भागी। लेकिन भैया तो घर में बैठे थे, यहाँ तक भाग कर क्यों आई? तुम्हें यहाँ भगा लाने के लिए। अगर मैं वहाँ रुक जाती तो तुम यही कहते। नीता आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं, मुझे उस केस का पता लगाना है, उस चोर को पकड़ना है, उस डाकू का पीछा करना है। इसीलिए चोर बनकर भागे? तो ये गाड़ी किसकी चुरा लें? अपनी एक सहेली की। अच्छा तो अब चोरी का धंधा भी शुरू कर दिया। सजा देने का इरादा है क्या? ये सजा हुई या इनाम? कुछ भी समझ लो। बहुत मीठा है, खाओगे? सिट्टी सिट्टी। देखो मिस्टर, अब ये आंख मुझे नहीं चलेगी। तुम्हें दुनिया भर के कामों के लिए वक्त मिलता है, एक हमसे मिलने के लिए ही वक्त नहीं मिलता। रोज ना सही, कम से कम हफ्ते में एक मुलाकात तो होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। तो बस संडे का दिन फिक्स, शाम का वक्त और इसी जगह। भूलोगे तो नहीं? ला मैं तुम्हारी डायरी में लिखता हूँ। अरे ये क्या लिखा है? मीरा मेरी डायरी दे दो। बुलो बुलबुल ऐसा पैमान, उसने की देवी से किताब बहुत अच्छा लिखा है। किसी की डायरी नहीं पढ़ा सकते। तो यूँ कहिए ना, शेर और शायरी का भी शौक फरमाने लगे हुजूर। इसमें आपका भी क्या कसूर, जब दिल पर चोट लगती है तो ऐसा हुआ ही करता है। मीता प्लीज। हाँ तो सुनिए, क्या फरमाते हैं मरीज इश्क? कोई इकरार करे या कोई इनकार करे, हमसे एक बार निगाहें तो जरा चार करे। तुम हंसी हो तुम्हें सब दिल में जगह देते हैं, हमें क्या बात है ऐसी जो कोई प्यार करे। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दबा न दोगे मुझे एक बार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दबा न दोगे मुझे एक बार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ मुझे क्यों पुकारती है ये जवाब बिगाड़ी, मुझे मिल गई कहाँ से ये हंसी हंसी मेरी जिंदगी पे छाई बहार तू है। मैं तुम्हें से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम जवा न दोगे मुझे एक बार क्यों है। मैं तुम्हें से पूछती हूँ जो कदम उठा रही हूँ वो कदम बहक रहा है, ये तुमसे क्या निगाहें मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। मेरे दिल पे हाथ रख दो तुम्हें इंतजार क्यों है। मैं तुम्हें से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दबा न दोगे मुझे एक बार क्यों है। मैं तुम्हें से पूछती हूँ
जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, चोरी नहीं तो डाका, डाका नहीं तो खून। खून? हाँ। तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? उस आदमी का पीछा क्यों नहीं करते? चलो। खून इस बिल्डिंग में हुआ और उस आदमी का पीछा करे, मरने का है क्या? नो इंटरप्शन, आ जाओ पीछे पीछे। पहले ही माले से सिलसिला शुरू, चलो। वो देख मरा पड़ा है। जासूसी का पहला उसूल है कि कातिल कुछ न कुछ निशानी जरूर छोड़ गया होगा, लिहाजा तलाश करें। निकालो तुम्हारी लाल थैली। ये रहा मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास। आओ। हाँ, सिगरेट रखो, कार्ड रखो, पन्नी रखो। बटन रखो, सिगरेट रखो, बाटली का बूच रखो। देखे तो सही कि मरने वाले की जेब में क्या क्या है। रुमाल, ये क्या है? चाबी। मालूम है कत्ल के क्या क्या सबब होते हैं? या तो औरत या दौलत। तो दौलत तो इसके पास है, लिहाजा इसके कत्ल का सबब सिर्फ औरत है। इस तरह की रुमाल तो दिखा, देखा ना, मैं कहता था ना। और ये चाबी जरूर उस होटल की है जहाँ ये लोग चोरी चोरी मिलते होंगे, ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया इस बुढ़ापे में। तुम ऐसी किताबें पढ़े हो, लाओ छोकरी का रुमाल मने दो, लड़की का रुमाल। मेरे पास कोई रुमाल नहीं। बोलू रुमाल मने दे दो। मैं कहता हूँ जिद्दत कर, मने दे। मैं कहता हूँ जिद्दत कर, मने दे रुमाल। मैं कहता हूँ जिद्दत कर, बोलू मने दे। अरे इसमें जिद्दती, तुम जा सकते हो ऊपर भैया। तुम माँ बात सुनो, यहाँ इन्हें पहचाना? ये हमारे पोपट भैया और ये हमारी बुलबुल बहन। अरे ये तुम दोनों ने क्या सॉन्ग बना रखा है? ना चल रहा हमारे ना तो सॉन्ग है क्या? सीधी बात करना। ओ, हिंदुस्तानी माँ जी, ये सॉन्ग नहीं जासूसी है। फर्क इतना है कि ये सरकारी और अपन प्राइवेट। सुनो सुनो, फालतू बातें छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम हमारा मुंह मीठा कब करा रहे? ठीक है बेटा, बचपना बहुत हो गया, अब तुम दोनों शादी कर लो ताकि तुम्हारी माँ को भी कुछ सुख मिले। देखिए ना माता जी, बात यह है कि हर मामले में ये आगे रहे हैं, ये रिवाज कॉलेज से ही चालू है। अब आप ही बताइए कि शादी के मामले में मैं कैसे आगे? नहीं नहीं, जरा छोड़ो ये बातें, बताओ ये कि ऑब्जर्वेशन कैसा चल रहा है? ऑब्जर्वेशन? ओके माता जी, जरा समोसा और चाय से पहले पानी सिर्फ। मैं समझ गई, मैं अभी समोसे और चाय का इंतजाम करती हूँ। चलो मंजू। शुक्रिया। थैली निकाल। राजन साहब, अगर आप हमारे कारनामे देखेंगे ना तो अपने कारनामे भूल जाएंगे। बस रहने दो,
ऐसे जूते पड़वा दे के जूते तो अभी बड़ा पड़ रहे होंगे आपस में। ये सिगरेट पावनी, ये माचिस खाली, ये सिगरेट की चांदी, ये ये क्या है? ये यही तो मैं भी देख रहा हूँ कि ये सेठ श्रमण लाल जी, आज रात के ठीक 2 बजे 50,000 रूपये तैयार रखिए। अगर किसी को खबर करने की कोशिश करोगे तो ये नुकसान किसका होगा ये आपको मालूम है। आपका ब्लैक कैट ये कहाँ से मिला तुम्हें? मैंने थैली में से तुम्हारे सामने तो निकाला। राजन भैया, हम दोनों एक सेठ के मकान में जासूसी करने घुस गए थे, वहीं से ये मिला, हमने उठा के बैग में रख लिया। सेठ ने इसको पढ़ा था? जब हमने ही नहीं पढ़ा तो सेठ कैसे पढ़ता क्यों? अगर वो पढ़ता तो रॉक एंड रोल करता बगैर बैंड के। बस मेरे लिए ये काफी है। अच्छा मां, चलता हूँ। बेटा कोई खतरे की बात तो नहीं? तुम जैसी माँ का आशीर्वाद जिसके साथ है भला उसको क्या खतरा है? भगवान तुम्हारी सहायता करे। माँ जी तुम हाँ मखा घबराती हो, हम जासूसों को तो काम ही खतरे से खेलना है। कस्टमर क्या मार रंड समोसा होंगे? हिंदुस्तान हिंदुस्तान खाली तो समोसे। अरे नाल भिजवा दे। शुक्रिया पोपट। आज से रमन लाल के यहाँ गोलियां चलने वाली है। रमन लाल की गोली चलने वाली है? वो अपना डिनर बुक किया है उस होटल के आसपास तो नहीं है ना? तुम फिक्र ना करो, वो तो 10 मील दूर है। 10 मील काफे नौ बहार। अरे 10 मील दूर है तो होटल का नाम नौ बहार कैसे हो सकता है? 10 बहार हो गया, समोसा मत उठाना, माता जी लाएंगी। लेकिन मीता सिर्फ एक ही पेश रह गया है ना भैया, इसे कल पर लेना। हाँ लेकिन अभी तो सिर्फ 9 ही बजे है ना, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। लेकिन मेरा मतलब है कि तुम्हें नींद नहीं आएगी, लेकिन डॉक्टर की हिदायत है कि रात के ठीक 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक कंप्लीट रेस्ट, यानी कि मुकम्मल आराम। चलो दवा पी लो। भूल गए पिछले महीने कहा क्या? जरा सा आपके आराम में खलल पड़ गया था कि झट से दिल का दौरा शुरू हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर डॉक्टर आ गया, वरना भगवान न करे। मीता बुजुर्गों का कौल है कि आदमी काम से नहीं आराम से मरता है। और भैया बुजुर्गों का ये भी कौल है कि काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम। चलिए। नॉटी गर्ल। इस बहन के आगे अपनी नहीं चलेगी। तुम्हारी चले तो तुम दिन रात पढ़ते रहो और फिर कहना यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द और कभी सर में चक्कर कभी दिल की धड़कन। भगवान ने एक बहन दी है और वो भी तेज तर्रार। और भगवान ने हमें एक ही भाई दिया है, वो भी सीधा सादा। चलो सो जाओ। राइट थैंक यू। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। दिल की बीमारी के पुराने मरीज प्रोफेसर गुप्ता, आपके आराम का वक्त, आराम कीजिए। और मिस्टर ब्लैक कैट, आपके काम का वक्त, आप अपना काम कीजिए।
सेक्रेटरी, ये लो नोटबुक, अब अपना डिटेक्टिव वर्क चालू। और जाए क्या सुराईदार गर्दन है? क्या है? एक मोटर आकर रुकी। मोटर नंबर क्या है? नंबर BNX 2222। एक दाढ़ी वाला उतरा, निहायत ही खतरनाक किस्म का। खतरनाक किस्म का? हाँ। अरे सुराईदार गर्दन को लेकर, सुराईदार गर्दन को लेकर दाढ़ी वाला केबिन नंबर, केबिन नंबर नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर तीन में गया। नंबर 13। सब तैयार है? यस जी। इट्स ऑल राइट। नंबर 20। नंबर 20। यस चीफ। वो कार्ड तुमने पहुंचा दिया था? यस चीफ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? देखा था, दो आदमियों ने देखा था चीफ। Get out, all of you। तो आदमी ने देखा था, कौन हो सकते हैं वाले? अगर कुछ खतरा महसूस होता है तो आज आप क्या कहा तुमने? पंडित जी से मैं कह रही थी, ब्लैक कैट कभी खतरे से नहीं डरता। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी प्रेजेंट टू यू द ग्रेट डांसर फ्रॉम द वाइल्ड वेस्ट, द वन एंड ओनली लिलियन एंड अ कमांड चेट्रू। नाउ शी इज गोइंग टू सिलेक्ट वन ऑफ यू एज अ पार्टनर। लेट्स सी हु इज द लकी गाय। Yes, guys, there's some shooting around here. हमारी सुने बात, बाबा रे बाबा मचाए बड़ा शोर। वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, ओ यू आर ग्रेट। फाइव सिक्स सेवन एट, ओ यू आर ग्रेट। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अच्छा ना हो तो भूला तो भी छूट, कर दूंगी तुम घर में देख तुझे शूट। तूने
तो दिल को हमारे लिए लूट, उल्टा हम ही को बताए अरे दाढ़ी वाला कैबिन नंबर तीन से निकला। दाढ़ी वाला कैबिन नंबर तीन से निकला। बेचारी सुई दर कर बना के ले रही थी। वही गाड़ी दाढ़ी वाला आया। नंबर क्या गाड़ी का? नंबर BMX9981। नहीं नहीं ये तो पहले का नंबर कुछ और। नो इंटरप्शन लिखो। सुराईदार गर्दन आई। सुराईदार गर्दन तो नंबर तीन कैबिन में है। लो इंटरप्शन लिखो। सुप सर। बड़े मौके से आएगा एक आना रोज के ग्राहक हुई हम तो चाय की होगी सरकार। सर उसके आने का टाइम हो गया है। डोंट वरी वी आर रेडी। वेल आई मस्ट बी ऑन द मूव। चाय तुमको डर के अंदर आ गए भैया जी। ताला क्यों लगा रहे भैया जी? भैया जी नहीं ब्लैक कैट। भैया क्या हुआ? तुम पुलिस में रिपोर्ट करने गए थे, जानते हो इसकी क्या सजा होगी? सॉरी सर, सब गड़बड़ कर दिया लोग। कोई बात नहीं, आज सारे शहर में तुम्हारा ही चर्चा और हर तरफ तुम्हारी तारीफ हो रही है। भाई झंडे गाड़ दिए है तुमने। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शिकार हाथ से निकल गया, वरना। लेकिन भैया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन पुलिस का फंदा होगा और ब्लैक कैट की गर्दन। क्यों अंकल? होगा तो ऐसा ही है। लेकिन राजन एक बात समझ में नहीं आई, वो पेपर में क्या लिखा है कि तुम्हारा ब्लैक कैट चौकीदार बन के खिसक गया? वाकई बात हो रही है। कई बार ऐसा होता है प्रोफेसर कि हम अपने शिकार की तलाश में दुनिया भर की खाक छानते हैं और शिकार हमारे सामने मौजूद होता है। वाह भैया, आपने तो अंकल की तरफ इस तरह इशारा किया जैसे अंकल ही ब्लैक कैट होते हैं। ब्लैक कैट खूब का। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं माता जी। अब कैसी है तबीयत? बड़ी बुरी बीमारी है, जी भर के हंसने भी नहीं देती।
धोनी नाथी भरेंगे भंडारी, धोनी नाथ भरेंगे भंडारी, धोनी नाथी तुम बोलो बच्चा भरेंगे, अरे भंडारी भोलेनाथ भरेंगे भंडा। जवाब नहीं है छोटे सरकार का, और चेले का भी जवाब नहीं है छोटे सरकार। देख बे माधो के बच्चे, अगर किसी से कहा है तो तेरी खैर नहीं। माता जी जाओ, भोलेनाथ भरेंगे भंडारे माई, तेरे बहुत बड़े भाग्य है कि इतने बड़े महात्मा तेरे द्वार आए हैं। सरस्वती जी महाराज पधारिए, पधारिए महाराज। काशी में उत्पन्न हुए, 25 वर्ष मथुरा में विद्या सीखी, 25 वर्ष द्वारका में तपस्या की, फिर 25 वर्ष हरिद्वार के गंगा जल में डूबे रहे, और फिर 25 वर्ष हिमालय की चोटी पर एक टांग पर खड़े रहे। भोलेनाथ, लेकिन महात्मा जी की उम्र तो इतनी नहीं दिखाई देती। यही तो योग माया है माई, जब चाहे 5 वर्ष के बच्चे बन जाएं, और जब चाहे 5000 वर्ष के बूढ़े बन जाएं। भोलेनाथ, धन्य हो महाराज। माई, महात्मा जी जगन्नाथ धाम में एक छोटा सा यज्ञ रचाना चाहते हैं, जिसके लिए इनको केवल 2000 रुपए की आवश्यकता है। 2000 रुपए? इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है महाराज। ये असत्य है। शांत हो महाराज, शांत शांत। हम अपने योग के नेत्रों से देख रहे हैं, 50000 रुपया इस देवी का बैंक में है, 2000 रुपया पीली संदूक में है, और 100-100 के 5 नोट अलमारी में रखी हुई रामायण की पुस्तक में है। धन्य हो महाराज, मैं अभी लाती हूँ रुपये। महाराज भोलेनाथ भरेंगे भंडार, और भोलेनाथ भरेंगे भंडार। भाई मुझे 2 रुपए, महात्मा जी माया को हाथ नहीं लगाते। शाबाश है बच्चा, तुमने 2000 रुपए नेक काम में दान दिए हैं, इसलिए महाराज आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो बिगड़ा हुआ है सुधर जाएगा। बड़ी कृपा होगी महाराज, अगर मेरा लड़का सीधे रास्ते पे आ जाए। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, तुमने भर दिया भंडार, भोलेनाथ ने भर दिया भंडार रे, ओए भोलेनाथ ने भर दिया भंडार रे, भोलेनाथ ने। देखा माता जी, आज छोटे सरकार ने कैसा भेष बनाया है, जवाब नहीं है छोटे सरकार का। क्या बकता है, आपने पहचाना नहीं, कहीं से चेला भी ढूंढ लाया है छोटे सरकार ने। तो क्या वो पोपट था, और उसके साथ? अच्छा, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, दुनिया को दिए जा धोखे पे धोखे, कौन तुझे रोके। वक्त पड़े तो
तो साधु बन जा, वक्त पड़े तो बाबू, वक्त पड़े तो भी सड़क पर निकला सबको जादू, ओम काली कलपत्ते वाली बार न जाए खाली, आ आ आ, वक्त पड़े तो साधु बन जा, वक्त पड़े तो बाबू, वक्त पड़े तो भी सड़क पर निकला सबको जादू, अपना उल्लू सीधा कर ले हंस के चाहे रोके, ओके ओके ओके, कौन तुझे रोके। दुनिया को जो लूट के खाए दुनिया उससे राजी, जब तक तेरे दम में दम है करना तिकड़मबाजी, करेगा डंडा सट्टा रहेगा हट्टा कट्टा, जाओ जाओ जाओ। दुनिया को जो लूट के खाए दुनिया उससे राजी, जब तक तेरे दम में दम है करना तिकड़मबाजी, चुपके चुपके फूल चुने जा लाखों कांटे भोगे, ओके ओके ओके, कौन तुझे रोके। कोई तेरे काम न आए बेटी हो या बेटा, जिसके पल्ले माल नहीं है किस्मत का वो हेटा, क्या डर क्या शर्म होने दे बस जेब गरम, ला ला ला। कोई तेरे काम न आए बेटी हो या बेटा, जिसके पल्ले माल नहीं है किस्मत का वो हेटा, छोड़ पर आई खातिर मन्ना जी ले अपना होके, ओके ओके ओके, कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, दुनिया को दिए जा धोखे पे धोखे, कौन तुझे रोके। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, भेस बदल कर 2000 रुपया मुझसे ठग लाया। माँ का पैसा वापस करो मिस्टर पॉपट। मगर वो तो सब हो गए चौपट चौपट वोपट कुछ नहीं, माँ का पैसा वापस करो मिस्टर पॉपट। ये लो एक दस का नोट है। एक पाई नहीं दूंगी तुझे, तुम्हें समझा क्या है। माँ को हैरान नहीं करना चाहिए, वाकई ये कि तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। तो काम तो मैं बहुत करता रहता हूँ लेकिन माँ की कुछ समझ ही नहीं आता। देखिए ना, ऑफिस के लिए पैसों की जरूरत थी, इस सोचा कि मेकअप का टेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन सब चौपट हो गया। खैर कुछ परवाह नहीं, आज की डायरी निकालो अपनी जासूसी कार्रवाई की। डायरी में इसने सब गलत लिखवाया है राजन भैया, काफे नौ बाहर की केबिन नंबर 3 में दाढ़ी वाला और सुराईदार दाखिल हुए, फिर दाढ़ी वाला बाहर और सुराईदार गायब, इस दाढ़ी वाले की गाड़ी का नंबर कभी 9981 और कभी 2222। जो देखा था वो लिखवा दिया था, 2222 देखा था, 2222 लिखवा दिया था, 2222 देखा था लिखवा दिया। हाँ बिल्कुल वही लिखवा है मैंने। सर व्हाट इज इट, ब्लैक कैट गैंग की गाड़ी आज शाम को 6 बजे काली रोड से पास हो रही है। शाबाश, ये हुई ना खबर। ओके मिस्टर पॉपट, 2222 रास्ता क्यों रोक रखा है तुमने? हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे हैं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? हटा अपना ट्रक। अरे ये कहाँ से आ गई? कौन? राजन की गर्लफ्रेंड। आओ वहाँ चले, जरा तफरी रहेगी। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है, हटा अपना ट्रक। अब फुल वर्गा मुंह है, गल भी तो चजदी करो सुनियो। शट अप बदतमीज। ओ कमीज पतलून दी गल रहने दे, हम सब समझते हैं। तू अखा टट के क्या देख रही है? तू अमीर है तो हम गरीबों को मार लेगी तू? छछूंदर जैसी मोटर लेके रो पा रही है हमारे ऊपर, 10 टन का ट्रक नहीं है हमारा। यू इडियट। और ठहर, मैं क्या है मैम सर? देखो ना ये गुंडा कैसे बिहेव कर रहा है, एक तो सड़क पर से लारी नहीं हटाता और फिर फिर रहने दे तू फिरकी है। हम गुंडा नहीं है, हम क्लीनर है।
देखो थानेदार साहब, इतना बड़ा फुटपाथ पड़ा हुआ है, उधर से नहीं जाती है, हमारे गले से सवार होती है। ठीक है ठीक है। ए ट्रक वाला, ट्रक हटाओ। मैम सर, आई एम सो सॉरी, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। चलो थाने। अरे थानेदार साहब, तुम हमको थाने में ले जाता है थाने, चलो उसको लेकर बादशाह। ओए मत समझो, हम तुमको छट देगा, हम भी बुरे के घर पहुंचने वाला आदमी है, और तेरे छकड़े का नंबर नोट कर लिया है, VMZ2222। सर क्या बात है? कुछ नहीं, तुम दोनों अपनी पोस्ट पे जाओ जल्दी। ओके सर। अरे ये किस किस्म बुखार है, जरूर कोई गड़बड़ है, कुछ सिग्नल तो नहीं है? मेरा शक सही निकला, वो देखो गाड़ी लौट रही है। अगर ये गाड़ी हाथ आ गई मिस्टर कपूर, तो हमें ब्लैक कैट और उसके गैंग का पता चल जाएगा। मैडम ये क्या किया आपने, आपकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ आप ये नहीं जानती? सॉरी ऑफिसर, मेरी कार का स्टीयरिंग व्हील टूट गया। व्हाट? ओह तब तो आप बड़ी खुशकिस्मत है कि आपकी जान बच गई। और आपकी भी जान बचा ली। हाँ हाँ, और मुलजिमों को भी बचा लिया जी। मेरा मतलब है आपकी गाड़ी खराब हो गई है, चलिए अपनी गाड़ी में आपको घर छोड़ा। नो थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपकी मदद करना तो हमारा फर्ज है, चलिए ना, आइए चलिए। अच्छा तो मिस्टर कपूर, आप जरा इनकी देखभाल कीजिए, मैं अभी कपड़े तब्दील करके आता हूँ। ओह श्योर श्योर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ तो मैडम तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी कुछ नहीं। कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ चाय, कुछ कॉफी? नो थैंक। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? नाम नाम तो फिर एड्रेस भी पूछना पड़ेगा। तो ये लीजिए मेरा कार्ड। थैंक यू। रजिस्टर में नोट तो नहीं कीजिएगा? नॉट एट ऑल। राजन सर है तो सही, लेकिन बहुत मसरूफ है, एक मेम सर से बातें कर रहे हैं। ओह नाइस यंग मैन। ओह थैंक यू। चलिए मैं आपको छोड़ा, फिर भी कभी जरूर तशरीफ लाइएगा। हैं? ओहो एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत जरूरी काम है, अगर ड्राइवर आपको छोड़ा है तो आपको एतराज तो नहीं? गोपाल जी सर, मैम साहब को जीप में छोड़ा। यस सर। थैंक यू यंग मैन। दैट्स ऑलराइट। ओह अमिता, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल भूल ही गया था कि संडे को तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट है। मैं जानता था तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन मीता आखिर तुम एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारियों को कैसे समझ सकती हो? चलो बैठे। अब ये गाड़ी किसकी है? वो मैडम कौन थी? मैडम कोई भी हो उससे तुम्हें क्या? गाड़ी किसी की भी हो उससे तुम्हें क्या? कुछ है तभी तो पूछ रहा हूँ। मुझे भी कुछ है तभी तो पूछ रही हूँ। पुलिस को मैडम पे शक था, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। गाड़ी मेरे भैया की है, मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी इसीलिए मैं इसमें आई। अच्छा
अच्छा तुम्हारे भैया आजकल कैफे नौ बहार में खूब डिनर उड़ा रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो भैया को दिल की बीमारी है और वो रात को कहीं नहीं जाते। अब वो मैडम की बात टालने के लिए मेरे भैया को बीच में लेकर आ रहे हैं। पुलिस वाले होते ही बड़े चालाक। मीता तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ। क्या वो तुमसे घुल मिल के बातें नहीं कर रही थी? उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था? मीता मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और पुलिस ऑफिसर को किसी मामले की तफ्तीश करते वक्त बहुत कुछ करना पड़ता है। मोहब्बत भी करनी पड़ती है? मोहब्बत तो नहीं लेकिन मोहब्बत का नाटक जरूर करना पड़ता है। कहीं मुझसे भी मोहब्बत का नाटक तो नहीं खेल रहे हो? जिसकी मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजारनी हो उसके साथ मोहब्बत का नाटक नहीं खेला जाता। चलो थोड़ा घूमाए। यस यस कॉलेज रोड के पास। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो एक इंस्पेक्टर क्लीनर बनकर हमें बनाने चला था और खुद बन गया। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। आई सी, वेरी गुड। लिसन, बाप रे 10:30 बज गए। ये कैसे हो सकता है? नंबर 37 तुम्हें मालूम है कि आप क्या करना है? यस चीफ। फौरन चलो। वेट, मेम साहब, मेम साहब क्या बात है, आप बड़ी परेशान नजर आती है। परेशान नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं हवलदार जी। अच्छा डॉक्टर को बुलाओ भैया। अब क्या तुम डर गई थी अकेले में? नहीं भैया, ख्वाब देख। नहीं भैया,
अब कैसी तबीयत है? अब तो ठीक है। आराम करो, आप सो जाओ, सो जाओ। हेलो राजन, देखो राजन आज शाम को 6 बजे उसी जगह पे मिलना, समझ गया ना? हाँ हाँ उसी जगह पे, मुझे तुमसे खास बात कहनी है। नहीं नहीं फोन पे कहने वाली बात नहीं है राजन। अच्छा है, बुला मत भैया। प्रीत केस खुल गया था, लेकिन ये तुम्हें हुआ क्या है अनीता? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो भैया कुछ नहीं, यूं ही। और हाँ कल रात को तुमने मुझे जगा दिया था, बात क्या थी? कल रात भैया दरअसल बात ये थी भैया कि अच्छा भैया एक बात पूछूं तुमसे? पूछो भैया, तुम भूतों को मानते हो? भूत? इस एटॉमिक एज में भूत? भैया कहीं तुम्हें दौड़ाना पड़ जाए भैया। भाई मैं तो नहीं मानता, और मैं ही क्या, कोई सेंसिबल आदमी नहीं मानेगा। देखो ना इस मकान के बारे में लोग क्या कहते थे। क्या कहते थे भाई? वो कहते थे कि कोई पुराना मालिक अपने नौकर के साथ एक मोटर एक्सीडेंट में मर गया, और अब रात को जबकि तमाम लोग सो जाते हैं तो वो गैराज से गाड़ी निकालते हैं और तमाम शहर का चक्कर लगाते हैं और जाने क्या क्या खुराफात कहते हैं। शेयर नॉनसेंस। तुम ही बताओ कि अगर ऐसे भूत होते तो हमें ना दिखाई देते? लेकिन भैया आई एम गेटिंग लेट नाउ, मेरा ब्रीफ केस, और देखो मैं दोपहर को खाने के लिए नहीं आऊंगा। चीयर्स मै टू। ओ हुण क्या करेंगी, अब कौन आएगा तेरी मदद को? लेकिन तुम तो पुलिस की हिरासत में थे ना? ओ हम रास्ता वरास्ता को कुछ नहीं जानते हैं, बढ़िया बढ़िया जेलां छोड़ चुके हैं हम। लेकिन तुम चाहते क्या हो? ओए हम कोई बुरी बात नहीं चाहते, तेरा बुरा रंग ते शरबती अखियां, तेरे रेशम वर्गे वाल ते मोरनी वर्गी चाल हमको पसंद आ गई है। हम तेरे को पंजाब ले जाएंगे ते तेरे साथ ब्याह करेंगे। यू शट अप इडियट। तू फिर अंग्रेजियां बोलती है? तो बलिए के रोएगी चपेड़ खाएंगी, चुप करके गड्डी विच बह जा बनी। ओ सुनियो, ओ तुहाडी ते चपेड़ भी बड़ी मिठी है, खुदा दी कसम मजा आ गया। पर हुण जांदे किथे हो? तुम हंसी हो तुम्हें सब दिल में जगा देते हैं, हमें क्या बात है ऐसी जो कोई प्यार करे। तुम क्या हुआ? राजन राजन हुंडा हुंडा हुंडा। हाँ क्लीनर वही कहाँ? यही तो था, तुम्हें देखकर कहीं छुप गया होगा। अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं भी देखकर आता हूँ। अच्छा कौन है वे? यहाँ पे कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, लेकिन जल्दी कहाँ गायब हो गया? बड़ी अजीब बात राजन, जिस बात के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है वो इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात है। अच्छा हाँ, कल रात 12 बजे कोई आदमी भैया की गैरेज में से उनकी गाड़ी लेकर भागा। भैया सो रहे थे, मैं उन्हें कैसे उठाती? मैंने खुद उसका पीछा किया। फिर क्या हुआ? फिर दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, मैं उसकी सूरत देखकर हैरान रह गई। जानते हो कौन था? कौन था? मेरे भैया। प्रोफेसर साहब? हाँ, उन्होंने घबरा कर गाड़ी रोक ली और जब मैं घर वापस गई। तुम वहाँ कितनी देर रुकी थी? ये कोई 5-10 मिनट। और जब तुम घर वापस पहुंची तो देखा भैया वहाँ सो रहे थे। अजीब बात है, लेकिन तुमने अपने भैया से कुछ नहीं पूछा? पूछा तो था, लेकिन भैया ने जवाब में एक भूतों का किस्सा सुना दिया। राजन राजन
तुम भी भूतों को मानते हो? भूतों को? चलो भैया आओ बैठो बैठो। कहाँ गई थी? यूं ही जरा घूमने गई थी। किसके साथ में? किसी के साथ भी नहीं। ओह हाँ भैया, मैं अपनी सहेली के साथ गई थी। आई सी। मीता, तुम अपने भैया को प्राय से समझने लगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम मुझे अपना समझती तो कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ भैया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मीता, वैसे राजन लड़का नहीं है लेकिन पुलिस में है, और पुलिस में होना भी बुरा नहीं, लेकिन पुलिस वालों की जिम्मेदारियां और काम कुछ ऐसे होते हैं कि वो कब मोहब्बत करते हैं और कब मोहब्बत ना करते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल। भैया ऐसी बात कहो। मैं ऐसी बातें कहना नहीं चाहता था लेकिन कहे बगैर चारा भी नहीं। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस किसी गलतफहमी का शिकार होकर मुझे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल समझने लगी है। तुम्हें क्रिमिनल? नहीं भैया, तुम्हें तो यूं ही वहम हो गया है। उस दिन जब तुम मेरी गाड़ी में घूमने गई थी तो पुलिस ने तुम्हारा पीछा किया था, और जिस क्लीनर से तुम्हारा झगड़ा हुआ था वो असल में क्लीनर नहीं था, वो राजन था। राजन? नहीं नहीं भैया। हाँ भैया, वो राजन था। जब आंखों पर मोहब्बत का पर्दा पड़ जाता है तो असलियत दिखाई नहीं देती। मीता कमिया, राजन तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? हाँ भैया। फिर कहाँ गया वो? पुलिस स्टेशन, बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम वहां नहीं था, यहां था। तो देखो दर्द के नीचे कौन खड़ा हुआ। राजन, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, छुप करके तुम्हारे भैया की निगरानी कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा भैया किसी का खून करके यहां आ छुपा। भैया मीता रो मत, मीता रो मत, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? तुम्हारा गम मेरा गम, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। अगर तुम्हारी खुशी राजन के साथ है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। अपनी बहन की खातिर अगर मुझे अपनी जान, भैया ऐसा मत कहो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी भैया, ऐसा नहीं होने दूंगी। मीता, मीता कौन लिली? देखो इंस्पेक्टर राजन मेरे घर को वॉच कर रहा है और नंबर 37 भी वहीं खड़ा है। तुम किसी तरकीब से यहां आकर नंबर 37 को वापस ले जाओ, और ख्याल रहे कि राजन को किसी किस्म का शक ना हो। समझ गई ना? बहुत अच्छा, ओके। अरे हिमाचत, आपने इसकी जबड़ा तोड़ दिया। जबड़े को थोड़ा गजब हो गया, तुम्हारे गधेपन की वजह से वो आदमी भाग गया। कौन आदमी भाई साहब? ये तो वही है
कमर पतली सुराहीदार गर्दन जबड़ा तोड़ दिया। आपकी कमर थी ओ, हाँ जी मैं। अच्छी बात है, हमारी मुलाकात हमेशा गलत जगह पे होती है। यहाँ ऐसा ही मालूम होता है। उस दिन घर का खूब पता बताया आपने, सारा शहर छान मारा, कहीं पता नहीं चला। आई सी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको गलत कार्ड दे दिया। इट्स ऑल राइट, चलिए अब ले चलिए, तशरीफ रखिए। लेकिन इतनी रात गए आपके साथ तन्हा जाना ठीक मालूम नहीं होता, फिर कभी सही। क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। किसी ने चाहा तो फिर किसी दिन इसी ऐसी जगह जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट। सिगरेट, ये मैं आप ही से कह रही हूँ, सिगरेट नहीं पीजिएगा जी। नहीं, क्या आप ये भी कहना पड़ेगा गाड़ी से नीचे उतर जाइए? मैं खुद उतर जाता हूँ। टाटा टाटा। अंदर गई। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं कोई ऐसा वैसा जासूस हूँ? मुझे तो मालूम था कि वो यही आएगी। क्या फिर भेस बदल रहे हो? अरे भैंस क्या, आपका तो पूरा ही तबेला बदली करता हूँ। लेकिन पोपट, यहाँ कोई खतरे की बात तो नहीं है? जब तक पोपट तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें खतरे का कोई खतरा नहीं। लाओ लाओ जल्दी लाओ, ये कान के निकाल, कान के जच रहा हूँ ना। बहुत अच्छी डाली। यहाँ तो नहीं है? यहीं पे आई थी। मेरा ख्याल है केबिन नंबर 3 में जरूर होगी। अरे मेरा फेवरेट गाना, बाय गॉड बहुत धांसू है। ऐसा करते हैं कि मैं शराबी की एक्टिंग करता हूँ, इस धांधल में तू केबिन नंबर 3 तक पहुँचाना, समझी? ओके। नशे में हम, नशे में तुम, नशे में हम, नशे में तुम, क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम। नशे में हम, नशे में तुम, नशे में हम, नशे में तुम, क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम। नशे में हम, नजर नजर हसीन है टपक रहा है रस, जो एक दिल गया तो क्या तुम्हें मिलेंगे दस। नजर नजर हसीन है टपक रहा है रस, जो एक दिल गया तो क्या तुम्हें मिलेंगे दस। क्या खबर दिल की झर हो गया है। नशे में हम, नशे में तुम, नशे में हम, नशे में तुम, क्या खबर दिल की धुन हो गया है तुम। नशे में हम, तुम्हारा दिल अरे कहीं लटक गया न हो, जवान
मिठाई इधर उधर भटक गया न हो तुम्हारा दिल अरे नहीं अटक गया न हो जवान था इधर उधर भटक गया न हो क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम नशे में हम नशे में तुम नशे में हम नशे में तुम क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम नशे में हम हमारा क्या जो तुम कहो वो बात मान ले खफा न हो तो अपना दिल तुम्ही को जान ले हमारा क्या जो तुम कहो वो बात मान ले खफा न हो तो अपना दिल तुम्ही को जान ले क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम नशे में हम नशे में तुम नशे में हम नशे में तुम क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम नशे में हम नशे में तुम नशे हम नशे में तुम क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम नशे में हम एक्सक्यूज मी सर ये टेबल बुक है ठीक है हमने बुक कराया था क्यों पार्टनर यही वो कैबिन है जिसमें कुछ गड़बड़ थी बिल्कुल यही डिनर सर यस फॉर टू ऑल राइट सर रिपीट नाउ स्टे तुम्हारा नशाना कितना हो सकता है और तुम्हारा हौसला भी तो गजब का है जान की बाजी लगाकर मेरा निशाना बनना तुम्हारा ही काम तो है लिली मेरी जान तो तुम्हारे लिए जब चाहो निछावर कर सकती है खतरे का सिग्नल एक्स टू स्पीकिंग कैबिन नंबर 3 में 2 सस्पिशियस आदमी चले आए देखो उनको चिकन सूप में मिक्सर नंबर 11 पिला दो और फौरन नीचे हाजिर करो लिली तुम जल्दी से एंटीडोट तैयार करो ताकि उसको पिलाते ही उन्हें फिर होश आ जाए और हमें पता लग जाए फौरन कि वो लोग कौन हैं क्या हैं जब तक मैं मेकअप चेंज करता हूँ जल्दी करो क्विक ओके सर ला मेरी टोपी भी ला फिर ड्रेस चेंज तू नहीं जानती डिटेक्टिव को हर मिनट पर चेंज होना चाहिए आप लोग किधर है कुछ मालूम नहीं किधर है भाई मेरे को ऐसा लगता है कि नौ बार के अंदर में कुछ मैजिक है आप बंद और केबिन गुल एक वक्त फिर आप बंद करो क्या गुल होता है देखेंगे कुछ इधर में आता है आवी जो किसी सूप चिकन सूप मारा बाप मिस्टेक .5 नॉक मी डाउन 6 शूटर कौन सी गोली खाना चाहते हो पसंद करो मेरे को कुछ खाने का नहीं है बिल्कुल धूप नहीं है मेरे को क्या गड़बड़ क्या है काले बिल्ली शट अप कहीं गड़बड़ से तो आप वापस बंद करो वापस बंद करो मारा बाप ये बिल्ली तो शेर के बाप का रिश्ता है कौन है तुम हम आदमी का चाइल्ड है मैं पूछता हूँ कौन हो तुम यहाँ किसने भेजा हमको हमारी मौत लेकर आ गई अरे बाबा
हमने तो चिकन सूप का ऑर्डर दिया था, ये गोला बारूद कौन गजरा? आई एम सॉरी, कौन बेची है? बकवास बंद कर। ठीक ठीक बताओ कि तुम ब्लैक कैट के बारे में क्या जानते हो? मेरे को ब्लैक कैट के बारे में कुछ पन मालूम नहीं है, ब्लैक कोट के बारे में मालूम है, चेलाराम के इधर का है और ये छगन लाल के उधर। मोटा भाई ने सलाम कौन? सलाम मोटा भाई, सलाम मोटा भाई, सलाम मोटा भाई, सलाम। नंबर 37। यस चीफ। देखो इनको वहीं ले जाओ और 10 मिनट में अगर असलियत ना बताएं तो गोली मार। सिर्फ 10 मिनट, कलाक दो कलाक नहीं नहीं, चलो चलो। या तो इंतहा चालाक है वरना पागल। चालाक हो या ना हो लेकिन पागल जरूर है। चल जल्दी करो। मारा बाप, मिक्सर नंबर 37 अगाड़ी तो रास्ता बंद है। रास्ता मैं बताता हूँ, इस दरवाजे को उठाओ। ऊपर वाले को? हाँ इसको ही। दोनों भाग गए। वेट ऑपरेटर, देखो तमाम केबिन के नंबर चेंज कर दो। राइट, नंबर 13। यस चीफ। शहर का कोना कोना छान मारो और जहां वो दोनों मिले गोली मार दो। यस चीफ। गेट आउट, कम ऑन। नंबर 37, चीफ का ऑर्डर है उनकी हर जगह तलाश की जाए और पता लगते ही गोली मार दी जाए। ओके, तुम ट्रक में जाओ। हाँ, दो ग्रुप ब्लैक एंड व्हाइट सिगरेट्स। और चार मीनार? वो तो चाहिए उतना ले लो, सारा ट्रक उसी से भरा हुआ है। अच्छा ठीक है। हमारे साथ ट्रक में और भी कोई था? नहीं तो बोले ड्राइवर ट्रक फोरन ले जाओ। तो पुनः साधा बनाओ जल्दी से। गलो मेजर साईं, रुपया रखो। उधर गए वो दोनों। सुनो तो सही, लगा डाले, सुनो तो सही। अरे मगर हम चोर नहीं है, कबो भागो। इसी दुकान में गए वो लोग, आओ मेरे साथ। एक कोना छान मारो।
मैं मर गया। अबे क्या डर गया? कौन हो तुम लोग? इधर आओ। क्या बात है? हमें कुछ सामान खरीदना था। अभी दुकान बंद होने का वक्त हो चुका, कल सुबह आना, समझे? जाओ। एक बात तो बताइए, ये जो आपके यहाँ पुतले रखे हुए क्या चलते फिरते भी हैं? पुतले चलते फिरते? क्या आप लोग पिए ले क्या? जाओ भाई जाओ जाओ। पुतले चलते फिरते? चलता फिरता पुतला? कहीं पुतला भी चलता फिरता है? जरा ठहरो। हेलो, कैफे नौ बहार के ऑपरेटिव से कहना कैबिन नंबर 3 को चेक करके मुझे यहाँ खबर दे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो हमसे पूछने लगा तुम कौन हो, क्या हो, ब्लैक कैट के बारे में क्या जानते हो। और जब हम रोने लगे तो उसने हुक्म दिया कि 10 मिनट में ना बताए तो गोली मार दो। फिर झूठ? मेरे जैसा बहादुर आदमी रो सकता है? झूठ बोलते है जी, हम तो ट्रक में बैठ के भागे थे। ट्रक में? ट्रक में नहीं, ट्रक के अंदर बक्से में। और जब आग खुली तो हम लोग बड़े बाजार में थे। ट्रक में, बक्से में, कैफे नौबहार, बड़ा बाजार, वो वहां से 3.5 मील दूर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, तुम दोनों ने भांग तो नहीं पिए? हमने तो पहले ही कहा था भले भाई कि तुम्हारा सर खुद चकरा जाएगा। मेरी ड्यूटी कैफे नौबहार पर थी, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम कैबिन चेक कर लिए, लेकिन उनमें कोई खास बात नजर नहीं आई। अच्छा, तुम जा सकते हो। कोई खास बात नजर नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? आंख वाला तेरी कुदरत का करिश्मा देखे और दीदे को। अच्छा मिस्टर बॉबर्ट, ये बाकी हवाले पे सुन लेंगे, मुझे जरा एक जरूरी फाइल सबमिट करना है। अच्छी बात है, चलो बुलबुल किसी सयाद को दे। आई एम सॉरी। हेलो प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे, वो भी सुबह सुबह? भाई मैं मिस्टर राजन से मिलने आया था। वो है? हाँ, तो चले जाइए। इट्स ऑल राइट। आइए आइए प्रोफेसर साहब। तशरीफ रखिए। आप और यहाँ? हाँ भाई, आज मैं तुमसे एक खास बात कहने आया हूँ। क्या बात है? आजकल न मालूम क्यों कोई शख्स जिसकी सूरत मुझमें बहुत ज्यादा मिलती है मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। वेरी स्ट्रेंज। जी हाँ, देखिए ना, कई बार तो रात को मेरे गैराज से गाड़ी लेकर गायब हो जाता है और 25वीं दफा टेलीफोन पर मुझे धमकियां मिल चुकी हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसको मुझसे क्या दुश्मनी है। हो सकता है वाकई आपके साथ उसको कोई दुश्मनी हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं पुलिस प्रोटेक्शन चाहता हूँ, नहीं तो शायद। फिक्र न कीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अच्छा मैं चलूँ, माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी। नीता बेटी, वो तो अच्छा हुआ मेरी निगाह पड़ गई और मैं उन्हें जबरदस्ती यहाँ फेंक आई, नहीं तो ये आज भी भागी जा रही थी। नीता बेटी, कभी कभी आ जाया करो, मंजू तुम्हें कितना प्यार करती है। भैया से तो रोज ही मुलाकात हो जाती है, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है। अच्छा अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अभी अच्छा हुआ माँ चली गई, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। जा, ये देखो है ना मंजू। भाभी तुमने तो भैया पर ऐसा जादू किया है कि दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपती है, जिस दिन तुमसे मुलाकात हो जाती है तो गुलदस्ता तुम्हें दे देते हैं और जिस दिन तुम नहीं मिलते उस दिन यहाँ लाकर छुपा देते हैं, और रात की तन्हाई में जब सब सो जाते हैं तो भैया उठकर गुलदस्ते से बातें करने लगते हैं, कभी तो इसे देखकर लंबी सांस भरते हैं, कभी मुस्कुराने लगते हैं और कभी गीत में गुनगुनाने लगते हैं। सुनो। नहीं मंजू, आज मुझे कुछ नहीं सुहाता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो भाभी, भैया का गीत सुनोगी तो तबीयत फूल की तरह खिल उठेगी, और देखो भैया का मुंह भी तुम्हारी तरफ किए देती है। देखो आंखें भैया की तरफ, कान मेरी तरफ। हेलो
कभी सुनी तो कभी न भूल पाऊं, तो कभी न भूल पाऊं। मेरे दिल पे है इतना ये प्यार तुझे, मैं तुम्हें से चुकी हूँ, तुझे तुमसे प्यार क्यों है। कभी तुम दवा लगोगे तुझे एक बार क्यों है, मैं तुम्हें से चुकी हूँ। भाभी भाभी ओ मैं क्या तू इत्थे बैठी हुई है फिर किए ओ की हाल चाल है बादशाह। उस दिन तो सानू धोखा दे गए नठ गए सी, अज की करोगे, बुला लो अपने हिमायती नू। ओ मैं क्या गलता करो चन जी, जिसकी मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजारनी, उससे मोहब्बत का नाटक नहीं खेला जाता। ओह तो तुमने पहचान लिया मुझे अच्छी तरह से। अफसोस तो इस बात का है कि पहचानने में बहुत देर लगी। बस इतने से मजाक का बुरा मान गई? तुमने मेरा तो नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है राजन। गीता क्या तुम मेरी मोहब्बत की आड़ लेकर मेरे भैया को अपना शिकार नहीं बनाना चाहते? नहीं मीता, ये गलत है, सरासर गलत है। तो फिर सारी सारी रात हमारे घर की निगरानी क्यों करते रहते हो? इसलिए कि तुम्हारे भैया ने खुद पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए थी। तो जो कुछ मेरे भैया ने कहा वो झूठ है? तुम्हारे भैया सिर्फ किताबें पढ़ना जानते हैं, वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम। काश राजन जो कुछ भी तुम कह रहे हो वही सच होता। ये सच है मीता, यही सच है राजन। यही तो मेरी बदकिस्मती है, मैंने तुम्हें अपने दिल की धड़कनों में जगह दी, अपनी रूह की गहराइयों से तुम्हें चाहा, और तुमने ये समझा कि मैं मोहब्बत का नाटक कर रहा हूं। ऐसा मत कहो राजन। काश मीता मैं अपना सब कुछ खोकर भी तुम्हारा विश्वास पा सकता। राजन नहीं राजन, इसे रहने दो, ये खुशी क्या सुन। नॉनसेंस, मैं नहीं मानता, मैं किसी हालत में नहीं मान सकता। क्योंकि राजन प्रोफेसर गुप्ता की बहन से मोहब्बत करता है इसलिए वो प्रोफेसर को गिरफ्तार करना नहीं चाहता। फिर भी सर अगर प्रोफेसर पे शक है तो उसे गिरफ्तार करना एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज है। पुलिस वालों का क्या फर्ज है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि राजन जैसे कैरेक्टर का आदमी। राजन सर मुझे अफसोस है मैं आज तक कामयाब ना हो सका, लेकिन मैं आखिरी बार एक मौका और चाहता हूं, आप मुझे एक दिन की मोहलत आप दे दीजिए। 24 घंटे के अंदर ब्लैक कैट और उसके गैंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने का वादा करता हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है राजन। थैंक यू सर। हो गया गाड़ी के अंदर, पीछा करो उसका, बी केयरफुल। ओके सर। ड्राइवर उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। तुम इस वक्त? हाँ एक जरूरी काम था। कहो क्या काम है? मीता एक अजीब उलझन पैदा हो गई है, चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां से आगे रास्ता दिखाई नहीं देता। मुझे बता, मैं मोहब्बत की क्षमा चलाकर तुम्हारा रास्ता रोशन कर दूं। मुझे तुम पर तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मीता किस्मत ने आज हमें एक ऐसे तूफान में ला खड़ा किया है, अगर अभी हाथ छूट जाए तो फिर मिलना नामुमकिन है। ऐसी क्या बात? कुछ ऐसी बात है मीता, पुलिस की तरफ से ब्लैक कैट को गिरफ्तार करने का खास फर्ज
मुझ पर। वो दिन जल्द आए ताकि पुलिस में तुम्हारा रुतबा बढ़े और मुल्क में नाम। वो तो ठीक है मीता, लेकिन रुक नहीं गए राजन। बाची है मीता कि वो ब्लैक कैट दरअसल तुम्हारे भैया है। राजन जो डाकू है जिसके हाथ सैकड़ों मासूमों के खून से रंगे हो, वो ब्लैक कैट मेरे भैया। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए राजन। मुझे बेहद अफसोस है मीता, लेकिन ये असलियत है। आज तक के वाकयात, मेरी अपनी तफ्तीश और लोगों का बयान सबसे ये साबित होता है कि ये सरासर बकवास। पुलिस असली ब्लैक कैट को पकड़ने में तो नाकाम रही, इसीलिए मेरे भैया को जानबूझ के फांसना चाहती है। मीता, पुलिस को क्या जरूरत है गलत आदमी को फांसने की? कानून के आगे पुलिस को भी जवाब देना होता है। तो फिर पुलिस मेरे भैया के पीछे क्यों पड़ी है? राजन तुम्हें तो मालूम है भैया को दिल की बीमारी है। वो दिन भर पड़ते हैं, रात को 9 बजे ही सो जाते हैं, और फिर कहीं आते जाते भी तो नहीं। किसी बात का तो तुम्हें धोखा है। सोने का बहाना करके तुम्हारे भैया रात को घर से निकल जाते हैं और सुबह होने से पहले पहले चुपके से आकर सो जाते हैं। ये दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का नाटक सिर्फ तुम्हारी और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मेरे भैया घर में नहीं है? हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त घर पे नहीं। देखो ये कौन सो रहा है, अच्छी तरह आंखें खोल कर देख लीजिए। क्यों, अब तो यकीन आया? नहीं नहीं, मैं और करीब से देखना चाहता हूँ। आओ ये शौक भी पूरा कर लो। आइए करीब से देख लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये मेरे भैया नहीं सो रहे? कोई मिट्टी का पुतला पड़ा है? भैया भैया क्या हुआ मीता? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। मीता मैं डॉक्टर को फोन करूं? अपनी हमदर्दी अपने पास रखिए, समझे? राजन। हाँ भैया, तुम्हारी ये तकलीफ इन्हीं की मेहरबानी का नतीजा है। नहीं मीता, अब मैं समझ गया, इसमें राजन का कोई कसूर नहीं। जी लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। बात न बनाइए इंस्पेक्टर साहब, वही कहिए जो आप अब तक मुझसे कह रहे थे। कहिए कहिए कि भैया ब्लैक कैट है, चोर है, डाकू है। दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का नाटक मेरी और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। खामोश खड़े खड़े क्या सुन रहे हैं आप? चले जाइए, आप फिर यहां कभी ना आइए। जाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं। जाइए
खाना तो गर्म करना। बेटा आज तुम्हें हुआ क्या है? क्यों? बहुत परेशान लग रही है। हाँ माँ, कुछ लोग सिर्फ परेशानियों ही के लिए पैदा होते हैं, शायद मैं भी उन्हीं में से। क्यों, क्या हुआ है बेटा? माँ, तुम्हारे बेटे ने फर्ज के देवता को खुश करने के लिए मोहब्बत की देवी से मुंह मोड़ लिया। देवी तो रूठ गई, देवता भी खुश ना हुआ। बस बेटा, इतनी सी बात पर दिल छोटा कर लिया? सुबह होने दे, मैं खुद जाकर उससे मना लाऊंगी। नीता बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बात नहीं टालेगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, तुम लोग खाना खाओ। अच्छा एक बात बताओ माँ, फर्ज बड़ा है या मोहब्बत? माँ का दिल तो मोहब्बत को ही बड़ा कहेगा बेटा, लेकिन असल में फर्ज बड़ा है। इसी फर्ज के खातिर तुम्हारे पिता ने एक दिन अपनी जान दी थी। ठीक है माँ, फर्ज ही बड़ा है। साहब, आपका पुलिस स्टेशन से फोन आया है और आपको फॉर्म भिजवाया है। फोन? यकीनन वो बदमाश पकड़ा गया है। बेटा खाना तो खाते जा। नहीं माँ, उम्मीद के ही आखिरी किरण बाकी है, अगर ये गायब हो गई तो फिर उजाला ना मिलेगा। दरवाजा खोल। लाइट। देखो तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो, हर सवाल। अच्छा ये बात भी है, बताओ ब्लैक कैट कौन है, इस वक्त कहां है, तुम्हारा उसके गैंग से क्या ताल्लुक है? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ सच सच बता दो। तुम किसके कहने में आकर ये सब कुछ करते रहे? कौन है तुम्हारा लीडर? क्या बात है, सुना है आपने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है? या तो आप भी देख लीजिए, क्या आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? अजी देखा है, मैंने जिंदगी भर इसकी सूरत तक नहीं देखी, और ताज्जुब की बात तो यह इंस्पेक्टर साहब, इसकी शक्ल भी मुझसे नहीं मिलती। कब तक छुपेगी गहरी पत्तों की थाल में? मानते हैं बड़े भाई, आखिर आपने ढूंढ ही निकाला, किधर है वो बुलबुल? बुलबुल ये तो वही है 37। कौन 37? ये जो अंदर बंद है बड़े भाई, यही तो हमारी मौत का फरिश्ता था। तो तुमने इसे कहीं देखा होगा? वही देखा था, ब्लैक कैट के साथ। ब्लैक कैट? तुम उसे कैसे जानते हो? भाई वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है। खतरनाक? हमसे ज्यादा क्या खतरनाक होगा? क्यों बोलो? उस रोज हमें बांध कर कहता है इन्हें गोली से उड़ा दो। बाप का ही माल था, गोली से उड़ा दो। और काले बिल्ले को दबाए ऐसा समझ रहा था कि कोई शेर दबा के रखा हो। अरे हमने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है, वो दांव देके वहां से खिसके हैं कि भाई याद ही करता हुआ कि अजीब आदमी से पाला पड़ा था। अच्छा मिस्टर राजन, तो मैं चलूं? हाँ। अच्छा प्रोफेसर गुप्ता, माफ कीजिएगा आपको खामो खाते। कोई बात नहीं मिस्टर राजन। माँ, राजन माँ, ऐसा लगता है तेरा बेटा सिर्फ परेशानियों के लिए पैदा नहीं हुआ, कामयाबी भी उसे कदम चूम सकती है। क्या वो बदमाश पकड़ा गया? नहीं पकड़ा नहीं गया, लेकिन अब पकड़ा जाएगा, रास्ता मिल गया। चलो अच्छा हो। अरे ये क्या चोट बनानी है तुम्हें, रात दिन काम करते करते इतना थक गया है मेरा बेटा। चल मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। शेरों के मुंह भी किसी ने धोए हैं माँ? सख्त भूख लग रही है, नाश्ता लाओ जल्दी। अरे वो मंजू कहाँ? वो तो स्कूल गई है बेटा, तू जा आराम से बैठ तो सही, मैं अभी आती हूँ। साहब आपकी चिट्ठी। चिट्ठी? ब्लैक कैट, अगर मेरा आदमी आज रात के 12 बजे तक न छोड़ा गया तो तुम्हारी बहन मंजू की लाश कल सुबह बीच पर मिलेगी। ब्लैक कैट, क्या हुआ राजन? कुछ नहीं हुआ।
बहुत जरूरी काम याद आ गया है। तुम्हारे काम कभी खत्म नहीं होंगे बेटा, कुछ खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? खाऊंगा क्यों नहीं माँ, मगर इस वक्त शाम को जरा जल्दी आना राजन, मंजू तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाएगी। क्या सोच रहे हो भाई? पोपट और बुलबुल, आज तुम दोनों मेरे कांटेक्ट में रहना, मुझे तुम्हारी मदद की आज खास जरूरत है। अरे मदद क्या, अपनी तो जान भी हाजिर है, लेकिन वो चाय हाजिर नहीं है। छोड़े सब, चाय को छोड़ो। अच्छी बात है। मैडम मंजू स्कूल आई थी? नो मिस्टर राजन, आई वाज जस्ट गोइंग टू रिंग यू अप, आई एम वेरी वरीड अबाउट हर। फोन आया था। फोन? फोन कहाँ से आया था? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। उस आदमी को छोड़ दिया है या नहीं? नहीं। नहीं? तो फिर मेरी मंजू मुझे वापस कैसे मिलेगी? लेकिन माँ वो मुजरिम है, उसे छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। राजन मुझे मजबूर न करो मां, मेरे हाथ कानून की बंदिशों में जकड़े हुए हैं। तो क्या कानून ही तुम्हारे लिए सब कुछ है बेटा? तुम्हें अपनी बहन से जरा भी मोहब्बत नहीं? ऐसा ना कहो मां, मुझे बहन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें तो एक दिन कहा था फर्ज मोहब्बत से बहुत बड़ा है। तुम्हारा फर्ज सिर्फ तुम्हारी नौकरी के लिए नहीं बेटा, माँ के लिए भी तुम्हारा कोई फर्ज है, बहन के लिए भी तुम्हारा कोई फर्ज है। राम ने अपनी सुतेली माँ का कहा मानकर 14 बरस का वनवास मंजूर कर लिया। माँ तुम अपनी सगी माँ का कहा नहीं मानोगे बेटा? अपनी माँ की आत्मा को दुखी ना करो बेटा, मुझे मेरी बिछड़ी हुई बच्ची दिला दो, नहीं तो मेरा भी गला घोट दो। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती बेटा, नहीं रह सकती। समझते क्यों नहीं? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक पुलिस इंस्पेक्टर का फर्ज, उसकी नौकरी, उसकी जिम्मेदारी को ऐसी जंजीर नहीं जिसे जब चाहे तोड़ के फेंक दिया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर, अच्छा बेटा तुम पुलिस इंस्पेक्टर ही सही और मैं गरीब विधवा जिसकी बेटी को ऊंधे उठाकर ले गए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब क्या ये आपका फर्ज नहीं कि उस मासूम बच्ची को ऊंधों के हाथों से बचाकर एक मां की झोली में डाल दो? इंस्पेक्टर मेरी बच्ची मुझे वापिस ला दो, मेरी बच्ची मुझसे मिला दो, मेरी मंजू हो। हवलदार इस कैदी को 11:30 बजे छोड़ देना। लेकिन साहब। कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा। Thank you.
मालूम हो कहाँ चला गया है? हो सकता है उसे मालूम हो गया हो। आओ मेरे साथ। हाँ चलो। नंबर 37। यस ब्रैकेट। हाँ तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, लेकिन घबराओ नहीं, चीफ ने तुम्हारा सब इंतजाम कर रखा है। ये लो कार की चाबी, कार में बैठकर शहर के बाहरी बार होते हुए चीफ के पास पहुंच जाओ। जानते हो तुम्हें कहाँ पहुंचना है? जानता हूँ, लेकिन होशियारी से, कहीं तुम्हारी गाड़ी का पीछा न किया जाए। समझ गए? समझ गया। ओके जाओ। Done a good job, boys. Thank you, sir. You can go now. तो मैं उस गाड़ी का पीछा करूं? Don't be silly. कैफे नौ बाहर। ओके सर। अब क्या होगा सर? बस अब देखते जाओ मिस्टर कपूर, अब जो कुछ होगा यही होगा। आपका ख्याल है 37 यहाँ आएगा? मेरा ख्याल ही नहीं, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। पौने 12 बज गए, अब तक राजन की कोई खबर नहीं आई। सर हमारी तमाम पेट्रोल कारें उनकी तलाश में घूम रही हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से मुलजिम को रिहा कराया सर, और खुद न जाने कहाँ चले गए। ये मैं सब कुछ जानता हूँ, जो कुछ उसने किया मेरे मशवरे से किया, उसकी हिफाजत करना तुम लोगों की ड्यूटी थी। लेकिन सर राजन साहब खुद ही नहीं चाहते थे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई कांट अफोर्ड टू लूज एन ऑफिसर लाइक हिम। मेरे बच्चों की रक्षा करना होगा, वो दोनों मेरी आंखों की ज्योति, ये ज्योति बुझने न पाए भगवान, ये ज्योति बुझने न पाए। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं सर, जरा सोची अगर 37 जाना आया, आपकी नौकरी तो जाएगी, सजा अलग मिलेगी, और भगवान ना करे कहीं आपको अपनी बहन की जिंदगी से हाथ ना धोना पड़े। आप होश में तो हैं सर? तुम फिक्र ना करो मिस्टर कपूर, वो जरूर आएगा। पहले ही शक था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मगर ये नहीं मालूम था कि उग्र बगदाद से टक्कर हो जाएगी। कहाँ चली जाने तमन्ना? अरे जरा बात तो सुनो।
क्या वाकई ही आप लोग मुझे 12 बजे छोड़ देंगे? हाँ, अगर हमारा आदमी वापस आ गया हम तुम्हें जरूर छोड़ देंगे। क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि नंबर 37 आएगा? वो यकीन नहीं आएगा। अब देखता हूँ कैसे जाएगा। संभाल, बहुत भारी है बोझा। मैं जा रहा हूं मिस्टर कपूर, अगर 10 मिनट के अंदर बाहर ना आ जाऊं तो हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स बुलवा लेना। लेकिन आप अकेले ही जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलता हूं। लिली, अब कोई उम्मीद नहीं, तुम एयरपोर्ट जाओ, वहीं मुलाकात होगी। ओके चीफ। मुझे अपने बॉस के पास ले चला। क्या तुम्हें जान अजीज नहीं? और ज्यादा अजीज है। अच्छा, तो चलो। देखो, अगर किसी शायद से बॉस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो चलो। यही मालूम होता है। तुम रेडी है ना? बिल्कुल रेडी। ओके, हैंड्स अप। अगर तूने मंजू को गोली का निशाना बनाया तो हम तेरे सीने को छलनी कर देंगे। रख दे पिस्तौल। यही है ना बुलबुल? बिल्कुल यही है डाली। खबरदार, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो दोनों पिस्तौल की 12 गोलियां सीने के आर पार होंगी। अरे, ये तो आगे बढ़ता चला रहे हैं। ये रिवॉल्वर लगे थे और चुपचाप वहां कुर्सी में बैठ जाओ। कुर्सी में चलो चलो, जब चाचा भी गले में है वरना गोली मार देंगे। खामोश, चुपचाप बैठ जाओ। चुपचाप दरी वाला अंकल बहुत गर्म है। मालूम होता है कि तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे और बाकी हैं। हमारे खास मेहमान आने वाले हैं और हमें उनका इंतजार करना होगा। वेलकम माई फ्रेंड, आज तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत तुम्हें मौत के दरवाजे पर खींच लाई है। अब मेरा टर्न है। नॉट ए बैड शॉट। गिव मी योर गन, कम ऑन, रिवॉल्वर उठाओ, चलो। लेकिन एक बात याद रखो ब्लैक कैट, तुम्हारे अड्डे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, तुम भी जिंदा ना बच सकोगे। सलाम मोटा भाई, सलाम मोटा भाई, सलाम मोटा भाई।
मर गए लड़कियों, तुम पीछे छुपो, चलो तुम भी जाओ, मैं जंग में जाता हूँ। नहीं, ये अपना काम नहीं। अब क्या होगा, तेरी नंबर वन। यस चीफ, देखो पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया है, तुम खामोशी से इन सब का काम काम कर दो और लाशों को बीच में डाल देना, समझ गए ना? यस चीफ, क्विक चल यहां से। रुक जाओ, वो तीनों कहां गए? जाओ फौरन का खात्मा कर दो इसको, इसको तुम, मैं अकेला ही काफी हूं। इंस्पेक्टर राजन की जान खतरे में है। ओए छोड़, आई घबराने की कोई बात नहीं, हम आ गए हैं। इंस्पेक्टर कपूर। यस सर। अनाउंस करो कि इंस्पेक्टर राजन कैफे से फौरन बाहर निकल आए। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर राजन प्लीज, इंस्पेक्टर राजन प्लीज, मेहरबानी करके कैफे के बाहर तशरीफ ले आए। तुम लोग जिंदा अभी तक? हाँ, तुझे मारने के लिए समझा मुर्मुरे के तेले खाओ। अभी देख लेता हूँ केक को। अबे मर्द है तो अकेला आ जा, ये बात है, हट जाओ सब लोग, हट जाओ, हट जाओ लड़कियों तुम भी। भूल गया, अबे अभी तो तेरी खोपड़ी पिलपिली करवाई थी मैंने। को ऑर्डर दो कि पोजीशंस ले लें। ऑल राइट सर।
हेडक्वार्टर से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगा लो। ओके सर। तुम बात कहां चले गए? तुम यही ठहरो। चलो मेरे साथ। अटेंशन प्लीज, कोई भी अपनी जगह से नहीं ले, किसी को कोई खतरा नहीं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। ब्लैक कैट गैंग के आदमी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। हमने कैफे को चारों तरफ से घेर लिया है, आज तक कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सका। जिसने भागने की कोशिश की उसे गोली का निशाना बना दिया जाएगा।
simmering. Move on, boys. नहीं सकता, मुझे दिखाई नहीं देता। कोई अपनी जगह से नहीं ले। आई कैन शूट बटन में बगैर देखे मैं देख नहीं सकता। कोई अपनी जगह से नहीं। सर ये तो जादू हो गया, ना जाने किसी छोटी जगह पे कहां गायब हो गया। जादू तो कुछ नहीं, ना टॉर्च मुझे दो, मैं उसके खून के निशान छोड़ता हूँ। चेक यू सर। थैंक यू सर। ओ, प्रोफेसर गुप्ता। हाँ, मैं यहाँ डिनर खाने आया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये हंगामा होगा। माफ कीजिएगा, मालूम होता है कि इन गुंडों की वजह से आपकी भी चोट आई। आई एम वेरी सॉरी, कहिए तो किसी आदमी को साथ भेज दूँ। नो रे, थैंक्स। ओके। खून? तो नहीं देखा सर, प्रोफेसर गुप्ता गए हैं। गजब कर दिया ऑफिसर, खूनी को निकाल दिया तुमने। प्रोफेसर गुप्ता और खूनी? इट्स ऑल राइट, वी वन हाफ द बैटल एनीवे। मुझे मालूम है वो कहाँ गया है। कहाँ गया वो? अपने घर।
भैया पोपट, मंजू को जरा मांझी के पास ले जाओ। उनसे कहना घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम प्रोफेसर गुप्ता के घर जा रहे हैं। लेकिन राजन ब्लैक कैट कहाँ है? खबर बॉय, अब इसकी जरूरत नहीं। खेल खत्म हो चुका है। भैया, भैया, तुम रो रही हो। तुम्हारा भाई इस काबिल नहीं कि उसकी मौत पर कोई आंसू। कानून ने तो मुझे सजा दे ही दी, लेकिन ईश्वर ने भी मुझे सजा दी कि मरने से पहले मैं अपनी बहन का मुंह तक नहीं देख सकता। राजा, राजा, निकाल दो संभाल। राजन, कहाँ है मेरा नाक? राजन, भगवान, मीता को दूसरे कमरे में ले जाओ। मंजू, तुम बाहर जाओ, जाओ। वेल डन राजन, माय कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर जिस खूबी से अपना फर्ज अदा किया है, इस पर पुलिस को नाज है। तुम जैसा नौजवान मुल्क और कौम के लिए बायस फख्र है। सर, ये कामयाबी आपकी गाइडेंस और साथियों की कोऑपरेशन का नतीजा है, और इसी सिलसिले में मैं अपने दोस्त मिस्टर पोपट प्लीज हाँ प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर पैरट का जिक्र करना चाहता हूँ। इन्होंने भी इस मामले में हमारी खूब मदद की है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये आंख की चोट क्या आज फाइट में लगी है? हाँ, आप बोलते क्यों नहीं है? जी, आज तो ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अक्लमंदों के सामने ये जरा कम बोलते हैं ताकि इनकी बेवकूफी जाहिर ना हो जाए। क्या? <नहीं, नहीं। laughs>